बज़ाहिर आपका कोई बिजनेस नहीं है, घर और सियासत का खर्च कैसे पूरा होता है? तो घर मेरा जी रेंट पे, किराए पे, और जो सियासत का खर्च है वो लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अखराजात होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ख़र्चा जो है वो कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कौमी असम्बली से ज़ाहरी बात है कि एक तनख्वाह भी है, और जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, तो वो इतना के पैसे आ जाते हैं जिससे इज्जत के साथ एक आपका गुजारा हो जाता है। माना कितना खर्च कर देते हैं? दो से ढाई लाख रुपए इसी में गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, सियासत भी घर भी, सियासत भी घर भी, गुजारा हो जाता है। अपने मरकजी दफ्तर आए, अपने वोटर्स और मुअज्जिज़ीन इलाका से मुलाकात की, आवाम के मसाइल भी सुने, नई नई शादी हुई है तो आप ये बताएं कि हनीमून पे कहाँ गए, और जो ये ज़िंदगी का ये जो खुशगवार हिस्सा है ये कैसा गुजरा? देखिए, हनीमून में तो यही फैसला था कि अल्लाह के घर की ज़्यारत करें, और जब लॉकडाउन लगा तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लॉकडाउन से पहले अल्लाह के घर की जो है वो ज़्यारत हो गई, रोज़ा रसूल के ऊपर हाज़िरी हो गई, इस्लाम हो गया, और अल्लाह ताला ने जो है वो आसानी पैदा की, तो वहाँ से फिर वापस पहुँच गए। तो ये इससे बड़ा और हनीमून की सादत क्या हो सकती है आपके? कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर पहुँचे, कमेटी रूम में कमिश्नर फैसलाबाद साकब मनान और आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत के साथ तरक्याती मंसूबों के बारे में मीटिंग की। फैसलाबाद डिवीजन में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वैसे आपको इंसानी हुसन में क्या पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है? देखें, इंसानी हुसन के अंदर तो इंसान को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। अब ये है कि आपको किसी का अखलाक अच्छा लगेगा, किसी की ज़ाहरी खूबसूरती जो है वो अच्छी लगेगी, लेकिन जो चीज़ आपकी प्रिवेल करती है वो इंसान का अपना जो अंदरूनी हुसन होता है, जो उसकी सीरत होती है, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट भी करती है। और कोई शख्स इन तमाम सलाहियतों का जो मालिक होता है तो आपको अट्रैक्शन तो होती है। तौफीक भट फार्म हाउस पहुँचे, दोस्त और कालम निगार तौफीक भट ने गुलदस्ता पेश किया। मेरा अजीज छोटा भाई फरुख हबीब, और उसको इमरान खान साहब ने एक ऐसी ज़िम्मेदारी दी कि जो बिल्कुल उसकी शख्सियत के मुताबिक थी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी जो सलाहियतें हैं और कलमकारों के साथ जो इनके एक खसूसी और ज़ाती मरासम हैं वो ज़रूर काम आएंगे, और हकूमत और मीडिया के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात का और नए अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होगा। एक मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो खूबी मुझे इसकी मुतासर करती है, इसमें रत्ती भर भी जो है गरूर या तकब्बर वो नहीं आया, ना रुकने कौमी असम्बली बनने के बाद और ना ही अब मिनिस्टर बनने के बाद, वज़ीरे स्टेट मिनिस्टर बनने के बाद, तो ये बहुत बड़ी खूबी होती है। इनकी एक खूबी मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब हमारा इनसे ताल्लुक बना ये बहुत यंग थे, और मैं हमेशा कहता था कि ये लड़का कुछ बनेगा, दिन रात मेहनत करने वाला बंदा। मैंने अक्सर देखा रात को 3 बजे फ़ोन किया,
फ़र्क हबीब हलके में, सुबह फ़ोन किया फ़र्क हबीब हलके में। मैं समझता हूँ कि शायद तब इनकी शादी नहीं थी, इनके ऊपर वो तलवार नहीं लटकती थी बीवी वाली, और ये हलके में ही रहे। आज ये जहाँ पहुँचा है ये डिज़र्विंग था। मियाँ फ़र्क हबीब साहब का वज़ीर इत्तला'आत बनना पूरे मुल्क के लिए बल्कि ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद के लिए एक एज़ाज़ की बात है। ये माशाल्लाह दोस्तों के दोस्त है। फ़र्क हबीब जो है ये नौजवानों के लिए एक सिंबल है, सिंबॉलिक सक्सेस है, क्योंकि इसने साबित किया है कि अगर आप हार्डवर्क करें, अगर आप अपने कॉज के साथ कमिटेड हों, अगर आप अपनी लीडरशिप के लिए ऑनेस्ट हों, लॉयल हों, और ये साबित करता है कि उसने अपनी अचीवमेंट को, अपनी स्ट्रगल, अपने हार्डवर्क, अपनी कमिटमेंट, अपने विजन, इसको सामने रखते हुए हासिल किया। दोपहर के खाने का पुरतकल्लफ एहतमाम किया गया। ग्रुप फोटो बनवाई। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने इस्तकबाल किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज एन ओवरवेलमिंग इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी विद इट्स 58% शेयर इन एक्सपोर्ट्स। मीडिया टॉक कनेक्शन तक हमने 50% इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वालों को, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले थे, 50% डिस्काउंट दिया। PTEA की जानिब से फर्क हबीब को एजाजी मेंबरशिप दी गई और सावनियर पेश किया गया। IT का इंतजाम किया गया।